हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बादशाह किच्चा सुदीप की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड पैनफोल्ड मूवी यानी कि विक्रांत रोना के बारे में। उसका फर्स्ट सिंगल निकल चुका है, दैट इज रर रकम्मा, जिसमें आपको जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलती है एज रकेल डिकोस्टा AKA गडंग रकम्मा। और ये गाना निकला जो कि एक आइटम सॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये भी हमको कहीं पता चला था कि उनका अच्छा खासा रोल भी होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट रोल भी होने वाला है जैकलिन फर्नांडिस का इस मूवी में अपार्ट फ्रॉम दिस सॉन्ग। सो सॉन्ग जो है वो कल ही निकल गया था कनाडा वर्जन, हिंदी वर्जन उसका आज निकला है, तो हम इसीलिए वेट कर रहे थे कि हिंदी भी निकल जाए, थोड़ा लिरिक्स वरिक्स समझ में आ जाए, उसके बाद अच्छे से इसके बारे में बात हो सके। सो दिस सॉन्ग इज संग बाय सुनिधि चौहान एंड नकश अजीत, जो कि इन्होंने कनाडा वर्जन भी गाया इन दोनों ने, और आज हिंदी वर्जन जो निकला है वो भी दोनों ने गाया है, और बाकी के जो तीन वर्जन है एक एक करके अगले तीन दिनों में बाकी के तीन वर्जन भी निकल जाएंगे सारे के सारे। सो आई फील इट इज अ वेरी गुड सॉन्ग, बहुत ही कैची है। इसका जो स्टार्टिंग ट्यून है, जो लिरिकल मतलब लिरिकल वीडियो वैसे तो, लेकिन अच्छे खासे विजुअल्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा आई कैचिंग लगता है इसका सेट डिजाइन, जिस तरह से इसका सेट डिजाइन है, जिस तरह के इसके कॉस्ट्यूम्स है, एकदम फुल विंटेज वाला फील देता है, फुल एडवेंचरस वाला एक फील देता है, जैसे जुमांजी हो गया या फिर उस तरह का जो जोन जाता है ना, जिस तरह के एडवेंचर मूवीज होती हैं उस तरह का एक फील देता है, जो कि बहुत अच्छा है। कलर ग्रेडिंग, लाइटिंग इफेक्ट जो है बहुत ही जबरदस्त लगता है देखने में, एंड किच्चा सुदीप इज रॉकिंग, सो इज जैकलिन फर्नांडिस। काफी अच्छे स्टेप्स भी हैं, हुक स्टेप भी काफी अच्छा लगता है, और जो हुक म्यूजिक है वो काफी कैची लगा, काफी अच्छा लगा, और यक्का सक्का वाला जो है ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा एक तरह से, जो कि आप गाते रहोगे, गुनगुनाते रहोगे। सो आई फील इट इज अ वेरी गुड सॉन्ग, और लिरिक्स इसके शबीर अहमद ने लिखे हिंदी के, जो कि बहुत ज्यादा हमको नहीं लगा कि वैसा मतलब फिट बैठाने का कोशिश वैसा नहीं है, थोड़ा मोड़ा कहीं आपको लग सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, जो कि सेम ट्यून पे, क्योंकि सारे लैंग्वेजेस का लिरिक बैठाना सेम ट्यून पे बहुत मुश्किल होता है। अभी जितना भी पैन इंडिया मूवीज हम लोग देख रहे हैं उन सब में हम लोग देख रहे हैं कि ये दिक्कत कहीं ना कहीं होता है, लेकिन इस गाने में वैसा दिक्कत आपको नहीं मिलेगा। बहुत कम गाने ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऐसा नहीं लगे फोर्स टाइप का या फिर स्ट्रेस टाइप का नहीं लगे, उस तरह के लिरिक्स बैठाए गए हैं शबीर अहमद, बहुत अच्छा लिरिक्स है। कन्नड़ वाले का लिरिक्स तो खुद अनूप भंडारी ने लिखा है, तो उसका कैसा लिरिक्स है वो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। हिंदी का लिरिक्स काफी अच्छा है, सुनिधि चौहान की आवाज बताने की जरूरत नहीं है, सी हैज मतलब मोस्ट आइकॉनिक आवाज में से एक आवाज उनका माना जाता है, तो बहुत ही जबरदस्त है वो भी। बाकी के वर्जन भी निकलेंगे धीरे धीरे, सो आई होप कि इस तरह के प्रमोशन जो है वो आगे भी चलते रहें और रेगुलर बेसिस पे चलते रहें, क्योंकि फैंस का बस यही एक नाराजगी रहता है कि रेगुलर अपडेट्स नहीं आते, लेकिन अब जो है वो मूवी अब निकलने वाली है, 2 महीने हैं, जुलाई 28 को निकल रही है, सो अभी से तो किक स्टार्ट हो गए हैं प्रमोशन, और आई होप कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो चलता रहे और बीच में लंबा गैप जैसा कि हो जाता था वो ना हो, क्योंकि अब वो समय नहीं है, और जब आके आपको प्रमोशन वगैरह करने पड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि सबका आई बॉल्स ग्रैब कर सकता है, और उस तरह का एक फील जो है सेटिस्फैक्शन का वो आपको दे सकता है ये फिल्म, क्योंकि चाहे इसका कितना भी ग्लिम्सेस हो या फिर अनूप भंडारी एज अ डायरेक्टर, किच्चा सुदीप एज अ एक्टर, ये सारा कुछ जो है मिला के ओवरऑल पैकेज जो है इस फिल्म का काफी एक्साइट करता है। तो ये गाना आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और कुछ बात करनी इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।